हेलो एंड वेलकम बैक. आई एम डॉक्टर राहिल चौधरी, आई डॉक्टर, कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन. आज के वीडियो में हम बात करेंगे डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में. डायबिटिक रेटिनोपैथी मतलब डायबिटीज से होने वाली एक पर्दे की बहुत ही खतरनाक बीमारी है, और इस बीमारी के बारे में जानना आपको इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है और आँखों में डायबिटिक रेटिनोपैथी शुरू हो गई है और अगर टाइमली इसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो ये अक्सर इंसान को अंधा कर देती है. तो आज आपको समझाऊंगा कि डायबिटिक रेटिनोपैथी में होता क्या है और कैसे आप इससे बच सकते हैं टाइमली अपना इलाज और डायग्नोसिस करा के. देखिए, इससे पहले मैं आपको डायबिटीज रेटिनोपैथी के बारे में समझाऊं, आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आँख काम कैसे करती है. देखिए, आँख एक कैमरे की तरह है. जैसे कैमरे के अंदर एक लेंस होता है और एक रील होती है जहाँ पर फोटो बनती है, वैसे ही आँख में एक लेंस होता है, एक कॉर्निया होता है जिसको हम काली पुतली कहते हैं, और लाइट आंख के अंदर कॉर्निया और लेंस से होते हुए इस पर्दे पे पड़ती है जिसको हम आंख की रील कहते हैं, और इस पर्दे से जिसको हम रेटिना भी कहते हैं एक नस निकलती है जिसको ऑप्टिक नर्व कहते हैं जो आपके दिमाग से कनेक्ट होती है और आप देख पाते हैं. डायबिटिक रेटिनोपैथी जो है वो एक पर्दे की बीमारी है, मतलब आंख का जो पर्दा जहाँ पर लाइट पड़ती है और लाइट यहाँ से ऑप्टिक नर्व से होते हुए दिमाग तक पहुँचती है, पर्दे को डायबिटीज़ इफेक्ट करती है और ये आपकी आंखों की रोशनी को कम कर सकती है. देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि डायबिटीज़ होते कितनी प्रकार की है. डायबिटीज़ दो प्रकार की होती है. सबसे पहले डायबिटीज़ होती है जिसको हम कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज़, जिसमें जो आपके बॉडी का एक ऑर्गन है पैनक्रियाज जो आपकी बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस करता है जिससे बॉडी की शुगर कंट्रोल में रहती है, वो इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस करता या कम प्रोड्यूस करता है. दूसरी डायबिटीज़ होती है जिसको हम कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज़. टाइप 2 डायबिटीज़ में ये होता है कि बॉडी में इंसुलिन तो प्रॉपरली प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन वो इंसुलिन बॉडी प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पाती, उससे बॉडी रेजिस्टेंट हो जाती है जिससे इंसुलिन बॉडी को लग नहीं पाता और बॉडी में जो शुगर का लेवल है वो हाई रहता है. देखिए, होता क्या है डायबिटीज़ में कि जो आपका ब्लड है, खून है, उसमें शुगर का लेवल बढ़ जाता है. अब शुगर जो है जब बढ़ जाती है आपके ब्लड वेसल्स में, खून के नलियों में, तो वो उन नलियों को डैमेज करना शुरू कर देती है, और उसका डैमेज सबसे पहले आँखों में, आपके गुर्दों में या किडनीज़ में और नर्व्स में दिखता है. तो क्योंकि हम आँख की जो ब्लड वेसल्स है उसको डायरेक्टली देख सकते हैं, इसलिए आपका आई डॉक्टर आँखों की वेसल्स को देख के ये तक बता सकता है कि आपकी बॉडी में डायबिटीज़ कितनी सीवियर है और उसका कितना एग्रेसिवली इलाज करना चाहिए. देखिए, जब भी खून की नलियों में शुगर का लेवल बढ़ता है डायबिटीज़ में, तो वो आपके पर्दे को दो तरह से इफ़ेक्ट कर सकता है या दो तरह से नुकसान पहुंचा सकता है. सबसे पहले ये क्या करता है कि जो खून की नलियाँ होती हैं वो उसको लीकी कर देता है, मतलब उसकी डैमेज की होने की वजह से खून की नलियों में से फ्लूइड और फैट निकलना शुरू हो जाता है और वे आपके पर्दे पे डिपॉजिट होना या जमना शुरू हो जाता है. उसकी वजह से पर्दे पे सूजन आ सकती है, स्वेलिंग आ सकती है और आपकी नज़र है जो कम हो सकती है. दूसरा डैमेज जो करता है डायबिटीज़, वो ये करता है कि जो खून की नलियां हैं आपके पर्दे की उनको वो ब्लॉक कर देता है. अगर खून की नलियाँ ब्लॉक हो जाती हैं तो क्योंकि खून बॉडी में ऑक्सीजन भी सप्लाई करता है, तो ऑक्सीजन की जो सप्लाई है आपके पर्दे में वो कम हो जाती है, काफ़ी हद तक बंद हो जाती है. अगर एक बारी पर्दे में ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है तो बॉडी को ऐसा सिग्नल मिलता है कि भाई पर्दे में ऑक्सीजन नहीं पहुँच रही, और पर्दों से कुछ पदार्थ जिसको हम VEGF कहते हैं, VEGF, वो निकलना शुरू हो जाते हैं और पर्दे में नई खून की नलियाँ बननी शुरू हो जाती है. अब सोचने वाली बात यह है कि अगर पर्दे में नई खून की नलियाँ बन रही हैं तो ये तो अच्छी बात है, नई नलियाँ बनेंगी तो और खून आएगा, और खून आएगा तो प्रॉपरली ऑक्सीजन आएगा. लेकिन एक्चुअली इन नई नलियों का बनना पर्दे को और नुकसान पहुँचाता है. क्यों? क्योंकि ये नलियाँ जो हैं ये प्रॉपरली मैच्योर नहीं होती, ये प्रॉपरली बनी नहीं होती, और अक्सर ये फट जाती हैं और आँख के जो जेल है, ये जो खाली हिस्सा है जहाँ पे जेल भरा होता है, वहाँ पे ये सारा खून निकलना शुरू हो जाता है और आपकी नज़र जो है डाउन हो जाती है. कभी कभी ये नलियाँ जब काम नहीं करती तो ये सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं, और अगर ये सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं तो ये पर्दा जो है आपका उसको खींचना शुरू कर देती हैं और आपका पर्दा भी उखड़ सकता है, जिसको हम रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं, और आप अक्सर इससे ब्लाइंड हो सकते हैं. तो डायबिटीज़ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है.
क्योंकि डायबिटीज का जो असर आंखों में आता है वो काफ़ी टाइम बाद आता है, काफ़ी सालों बाद आता है। तो पेशेंट को ये लगता है कि उनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है लेकिन आंख की नज़र ठीक है तो आंख के डॉक्टर के पास जाता नहीं, और जब नज़र ख़राब होनी शुरू होती है वो आंख के डॉक्टर को दिखाने जाता है तो उसको ये पता लगता है कि भाई डायबिटीज़ से तो बहुत आँख में नुकसान हो चुका है, काफ़ी नज़र का लॉस भी हो चुका है, और कोशिश करी जा सकती है बची हुई नज़र को बचाने के लिए, या ये भी हो सकता है कि नज़र टाइम के साथ डाउन होती जाए। इसलिए आपको अगर डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो अपने आँख के डॉक्टर से सबसे पहले मिलिए, और वही आपको बता पाएगा कि अगर आपकी अर्ली स्टेज में है तो साल में एक बार चेक कराना चाहिए, अगर बहुत सीवियर हो गया तो वो ये भी कह सकता है कि हर महीने चेक करी जाए। अगर आपकी आँख में डायबिटिक रेटिनोपैथी शुरू हो गया है तो आपके आँखों का डॉक्टर आपके कुछ टेस्ट करना चाहेगा। तो इसमें कई प्रकार के टेस्ट होते हैं। सबसे पहला टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं OCT, मतलब आंखों का एक CT स्कैन टाइप होता है जिसमें हम पर्दे की सारी लेयर्स को स्टडी कर सकते हैं, और अगर जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं, खून की नलियां लीक कर रही है और पर्दे में सूजन आ रही है तो वो सूजन इस OCT टेस्ट में बहुत अच्छे से दिख जाती है और आपको प्रॉपरली ट्रीटमेंट किया जा सकता है। दूसरा टेस्ट जो आपका डॉक्टर करेगा उसको कहते हैं हम एंजियोग्राफी टेस्ट, आई एंजियोग्राफी, जिसको हम फ्लोरोसीन एंजियोग्राफी भी कहते हैं। ये एक तरह का टेस्ट है जहाँ पे खून की नलियों को फोटो खींच के पढ़ा जाता है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपकी एक नस में डाई इंजेक्ट करी जाती है और वो डाई आपके नस से होते हुए, दिल से होते हुए आँख तक पहुँचती है, और आँख पे कुछ काले लाइट से एक्सरे टाइप टेक्नोलॉजी से फोटो खींची जाती है जिसमें आपकी नसें शाइन होती हुई दिखती है और उन नसों को स्टडी किया जा सकता है, और कहीं पे नसें अगर लीक कर रही हैं या वहाँ पे डैमेज हो रहा है तो उनको टाइमली पकड़ा जा सकता है। लेकिन ये सब टेस्ट जो है वो लेटर स्टेज पे करे जाते हैं। अगर आप अपने आँखों के डॉक्टर को बताते हैं कि आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो वो बेसिकली सबसे पहले आपका एक डायलेटेड चेकअप करता है। डायलेटेड चेकअप में क्या करते हैं कि हम आँखों में कुछ ड्रॉप्स डालते हैं, करीब 10-15 मिनट में उन ड्रॉप का असर आता है और आपकी आँख की जो पुतली होती है वो फैल जाती है। फिर एक इंस्ट्रूमेंट जिसको ऑप्थाल्मोस्कोप कहते हैं, दो तरह का ऑप्थाल्मोस्कोप होता है, डायरेक्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट हो सकता है, उससे आपके पर्दे का डॉक्टर आपकी पूरे पर्दे की जांच करता है, और अगर उसे शक लग रहा होता है कि डायबिटीज़ की प्रॉब्लम कहीं आँखों में आ रही है तो वो आपके इस तरह के टेस्ट OCT, एंजियोग्राफी या फंडस फोटो, इस तरह के टेस्ट आपके करते हैं, और फिर उन पिक्चर्स को संभाल के रखा जाता है, और हर साल जब आपका टेस्ट रिपीट करते हैं तो उन पिक्चर से कंपेयर करा जाता है कि कहीं पे भी डैमेज ज़्यादा होता हुआ दिखे तो प्रॉपरली आपकी ट्रीटमेंट शुरू कर दी जाए। तो अब अगर आपकी आंखों में डायबिटिक रेटिनोपैथी की प्रॉब्लम शुरू हो गई है, सबसे पहले बेसिक इंडिकेशंस, बेसिक सजेशंस तो यही होती है कि आप अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करिए, अच्छा खाना खाइए, अपनी ब्लड की शुगर को कंट्रोल में रखिए। ऐसा बहुत सारी स्टडीज़ में देखा गया है कि अगर ब्लड की शुगर कंट्रोल में रहती है तो पर्दे पर नुकसान बहुत कम होता है। तो बेसिकली डायबिटिक रेटिनोपैथी की ट्रीटमेंट दो तरह की होती है। सबसे पहला होता है कि कुछ इंजेक्शंस का यूज़ किया जाता है जिनको हम एंटी वेजफ इंजेक्शंस कहते हैं, जैसे लुसेंटिस हो गया, अवेस्टिन हो गया, आइलिया हो गया। ये इंजेक्शंस जो हैं आपके पर्दे की सूजन को कम करते हैं, और अगर आपके पर्दे में नई नलियां बननी शुरू हो गई है उनको रिग्रेस कराते हैं, उनको कम करते हैं। कभी कभार आपके आँखों का डॉक्टर आपकी आँख में स्टेरॉयड का इंजेक्शन भी दे सकता है। स्टेरॉयड भी पर्दे की सूजन को कम करने में काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। अगर इन सब से ज़्यादा बात नहीं बन रही है, डायबिटीज़ बहुत सीवियर हो गई है, तो आपके आँखों का डॉक्टर आपकी आँख में लेज़र भी कर सकता है, जहाँ पे अगर उनको लगता है कि कहीं पे आँखों की नली लीक कर रही है तो उनको लेज़र से वो बंद कर सकता है। और अगर ज़्यादा आपकी वेसल्स बननी शुरू हो गई हैं, नई वेसल्स, जो कच्ची वेसल्स आनी शुरू हो गई है, तो उनको लेज़र करके उनको किल कर सकता है, उनको रिग्रेस कर सकते हैं। अक्सर बहुत सीवियर स्टेज में इंजेक्शंस और लेज़र दोनों का यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर स्थिति बहुत ही बुरी हो जाए, आँखों का पर्दा उखड़ गया, या वो नली के ब्लीड करने से आँखों के जेल में ब्लीडिंग हो गई, आपकी नज़र बहुत कम हो गई, तो एक विट्रेक्टमी का ऑपरेशन किया जाता है जिसको हम कहते हैं, जिसमें आँख के अंदर जाके जेल को साफ किया जाता है, आँख के अंदर ही ऑपरेशन के टाइम लेज़र किया जाता है, और जो भी डैमेज हो रहा है डायबिटीज़ का उसको ठीक किया जाता है। तो बेसिकली ट्रीटमेंट ऑप्शंस में आपके इंजेक्शंस और लेज़र्स होते हैं, जो बेसिकली OPD प्रोसीजर्स होते हैं, लेकिन अगर बहुत ही सीवियर हो गया है डैमेज तो ऑपरेशन भी किया जा सकता है। तो मोटा मोटा आपको डायबिटीज़ के बारे में ये जानना ज़रूरी है कि डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ है। अगर आप
स्मोकिंग करते हैं या आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है या आप एक्सरसाइज नहीं करते, अनहेल्दी फूड खाते हैं, हाई फैटी फूड खाते हैं, ज़्यादा रेड मीट खाते हैं, इस तरह के हाई शुगरी कंटेंट वाले फूड खाते हैं, तो अक्सर बॉडी में डायबिटीज़ की जो प्रॉब्लम है वो शुरू हो सकती है। अगर डायबिटीज़ की प्रॉब्लम शुरू हो गई है तो उसको कंट्रोल अर्ली स्टेज में ही करना चाहिए, अच्छी डाइट लेनी चाहिए, कम शुगरी स्टफ खाना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करनी चाहिए। अगर डायबिटीज़ की प्रॉब्लम आंखों में आनी शुरू हो जाए तो उसको डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हालांकि लेंस को भी इफेक्ट कर सकती है, लेकिन डायबिटिक रेटिनोपैथी सबसे ज़्यादा कॉमन है हमारे देश में, क्योंकि इस समय हमारा देश जो है इंडिया डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन चुका है, सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के मरीज हमारे देश में ही पाए जाते हैं। तो अगर आंखों में डायबिटिक रेटिनोपैथी की प्रॉब्लम शुरू हो गई है तो आपको बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। अगर बॉडी में जनरली डायबिटीज़ शुरू हो गई है तो आपको साल में एक बार अपने आंखों का चेकअप ज़रूर कराना चाहिए, ताकि कहीं भी डायबिटिक रेटिनोपैथी का डैमेज दिखे, पर्दे में कोई भी डैमेज दिखे डायबिटीज़ की वजह से, तो उसकी तुरंत इन्वेस्टिगेशन हो सके और तुरंत इलाज हो सके, ताकि आप अपनी नज़र को बचा के रख सके और इस खूबसूरत दुनिया को एंजॉय कर सके। तो आशा करता हूँ कि इस टॉपिक में, इस वीडियो में मैं आपके काफ़ी सारे डायबिटीज़ के डाउट क्लियर कर पाया। डायबिटीज़ एक्चुअली एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है और इतना बड़ा टॉपिक है कि वीडियोज़ में कवर करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए डायबिटीज़ के बारे में। अगर आपके मन में और कोई भी सवाल है तो आप मेरे कमेंट में पूछिए, मैं कोशिश करूँगा आपके कमेंट जल्द से जल्द रिप्लाई करूँ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल बी बैक।